परेशानी है जी पानी की, यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, कोई पंप नहीं है, कोई नज़दीक कोई पानी का साधन नहीं है। यहाँ 250-300 बचा है, वो हमारे से पानी हमारे बर्तनों से वो खाली करके ले जाते हैं, क्या करें। वो खाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं, तो यहाँ हमारा छोटा सा टैंकी है, वहाँ हम पानी डलवाते हैं टैंकर से, तो वो एक दिन में दो दिन में वो खाली कर देते हैं। तो इसलिए गुजारिश है कि हमारे को हैंडपम्प या पानी का कोई साधन करके दें। जी मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर हम यहाँ खड़ी धर्मशाला के रहने वाले हैं, मोहल्ला गालेरी गली, वार्ड नंबर 7 है। सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है पानी की है, और हमने पानी को लेकर बड़े प्रशासन जिस हिसाब से आपके लिए हम गए, लेकिन किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और हमारी लिहाजा ये गुजारिश है कि डीसी साहब यहाँ पे आएँ, मौके का इंतखाब करें और हमें जो है पानी का साधन किया जाए। और पीएचई वालों को हम अगर कॉल वगैरह करेंगे पानी के, पिछले एक महीना 20 दिन में टोटल हमें 3 दिन पानी दिया गया। सर बहुत बार गए, सर मेयर के पास नहीं गए, इनसे पहलू के पास भी हम बहुत बार गए, लेकिन जाने का कोई हमें हल नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं। आपके लाइनमैन का क्या नाम है? सर लाइनमैन इधर बहुत हैं, जैसे मेन लाइनमैन जो इधर है इस वक्त, उसको मौलवी बशीर कहा जाता है। अब क्या नाम है असली हम भी नहीं जानते। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें पानी की बहुत तंगी है जी, तो आज दिन देखकर हमने इधर लेकिन 3-4 बार यहाँ डी सी साहब भी आया, उनको मैंने खुद बोला कि पानी के लिए हैंडपम्प के लिए बोला, उनने बिल्कुल नोट करके ले गए यहाँ से, ये हैंडपम्प पक्का आपको मिलेगा। थे ये बदली हो गया, अभी दूसरा आ गया, इससे पहले सब तो किसी ने हमारे पास कोई नहीं देखने की बात की, तो ना आज दिन देखकर पानी हमारा कोई इस इलाके में पंप ले, पंप जो भी है इससे आगे 3-4 किलोमीटर दूर में पंप ही पंप लगे हुए, लेकिन हमारे गाले महल में कोई पानी का कोई पंप का कोई मतलब नहीं।